स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज जो मैं थोड़ा कुछ ऐसा डाउट लेकर आई हूँ आप लोगों का, जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और मैं सारे बच्चों को बताती तो हूँ लेकिन सेपरेटली, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जितने भी बच्चे हैं आई उसके समझ में आ जाए ये चीज़। तो जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब आप लोग का होता है, देखिए जब आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है कहीं पर जहाँ पर भी आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर पड़े हैं ना, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ होम साइंस, तो होम साइंस में बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ खाना पका के दिखाना होगा या हमें कुछ ऐसा कुकर वगैरह लेकर जाना होगा या कोई डिश बनानी बनाकर लेके जानी होगी कि हमने बनाया है ऐसे बनाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर अगर आप लोग का मतलब मैं कई तरह की चीज़ प्रैक्टिकल से रिलेटेड बताने वाली हूँ, तो जैसे आप लोग का प्रैक्टिकल ये होम साइंस का मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग को होम साइंस अगर सब्जेक्ट है आप लोग का तो आप लोग को ऐसा कुछ खाना पका कर लेके जाना होगा या वहाँ पर कुछ बना कर दिखाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसे मतलब कि आप देखिए आप लोग का प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है आप लोग समझते हैं राइट, प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाना। अब CBSE और IAS में ये डिफरेंस तो आप लोग समझते हैं कि ओपन स्कूलिंग है वो रेगुलर स्कूलिंग है, CBSE है ना एक तरह से, CBSE में क्या आप लोग रेगुलर स्कूलिंग ही थी आप लोग की, तो अब आप लोग का अब NIS में आप लोग पढ़ रहे हैं, अब डिपेंड करता है किस तरह का एग्ज़ाम सेंटर है वो, ठीक है। अब कई जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप लोग का रिटर्न भी करवा लिया जाता है, जैसे कि आप लोग का फॉर एग्जांपल ले लूँ मैं डेटा एंट्री, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेशन आप लोग का कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसमें आप लोग को कई बारी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि भाई आप लोग मेल मर्ज की प्रैक्टिस करते हो, आप लोग सारे एक्सेल वगैरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो भी आप लोग की बुक में आप लोग के सिलेबस में है वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस प्रैक्टिकली करके जाते हो, लेकिन वहाँ पे आप लोग को दे दिया जाता है बोर्ड पे लिख के दे दिया जाता है ये 5 क्वेश्चन है इसके आंसर, ये आंसर शीट है इसमें लिख कर दो, या फिर आप लोग का दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर ये है इसमें ये आंसर शीट है ये लिख कर दो, है ना। तो आप लोग का ये हो गया रिटर्न, तो वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ये जब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो हमारा एज अ थ्योरी की तरह क्यों लिया जा रहा है राइट, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग का किस तरह का एग्जाम सेंटर पड़ा है, कहाँ पर आप लोग का एग्जाम सेंटर पड़ता है, जहाँ पे आप लोग रह रहे हो उसके आसपास के एरिया में कोई एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है ना, और किस तरह का वहाँ का मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है। अब कई ऐसे भी होते हैं कि प्रैक्टिकल का मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है जहाँ तक मुझे पता है कि भाई प्रैक्टिकल का मतलब होता है कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाना। कर डेटा एंट्री ऑपरेशन का अगर काफ़ी दो तरीके के बच्चे मेरे पास आते हैं, एक आते हैं कि मैम हमारा रिटर्न प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, तो मैम प्रैक्टिकल एग्जाम है तो मैम हमारा थ्योरी की तरह क्यों लिया गया, तो अब वो आपको डिपेंड करता है आप लोग का एग्जाम सेंटर पर डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कि मेरे हिसाब से यही तरीका होना चाहिए क्या कि अब डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर में या लैपटॉप जो भी है वहाँ पर अरेंजमेंट उसमें आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया जाए कि हाँ ये टेबल बनाकर दिखाओ, ये चीज़ें सॉल्व करके दिखाओ एक्सेल में, या ये टेबल बनाकर दिखाओ वर्ड में MS Word में, तो ये सब इस तरह का होता है आप लोग का प्रैक्टिकल। ये चीज़ आप लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, आप लोग दोनों तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर जाया करिए कि मेरा जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो है लेकिन वो रिटर्न तरीके से भी हो सकता है और प्रैक्टिकली भी हो सकता है। पेंटिंग है, पेंटिंग ऑब्वियसली आप लोग का रिटर्न ही होगा, आप लोग अगर पेंटिंग सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे लेते हैं ना तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बनाकर ही उसमें दिखाना होगा, आप लोगों का ये नहीं कि हड़प्पा पीरियड और ये पीरियड वो पीरियड पूछा जाएगा कि ये बताओ वो बताओ या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हाँ हो सकता है दे भी दिया जाए लेकिन एक आध क्वेश्चन नहीं, मेन पेंटिंग का टारगेट होगा कि आप ड्राइंग बनाकर दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक मेरे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आया कि थ्योरी पोर्शन में से उठाकर उसे कोई क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप लोग की। आप लोगों को दोनों तरीके से आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अभी तो जिनके हो गए प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, आगे जिनके होने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर जिनके प्रैक्टिकल होंगे है ना उनके लिए मैं बता रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन कि आप लोग को दोनों तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना चाहिए अपने एग्जाम सेंटर में। ऑब्वियसली अगर आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में जा रहे हो तो आप लोग को नहीं पता उसके बारे में कि वो कैसा एग्जाम सेंटर है, अच्छा है बुरा है, या मतलब वहाँ पर अच्छे तरीके से काम मैनेजमेंट वगैरह नहीं है वहाँ का, है ना, तो डिपेंड करता है आप लोग टोटली कि एग्जाम सेंटर कैसा मैनेजमेंट है वहाँ का, कैसा एग्जाम सेंटर पड़ता है आप लोग का, ठीक है। तो अब वहाँ पे आप लोग का अगर डेटा एंट्री का मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप लोग का प्रैक्टिकली भी आप लोग को प्रिपेयर होकर जाना होगा कि अगर आप लोग से प्रैक्टिकली दे दिया जाए कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाए तो आप लोग के लिए हुआ ना हो जाए वो चीज़ कह रहे मैं करूँगा कैसे, मैं तो रिटर्न प्रैक्टिस करके आया हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोग को दोनों तरीके से तैयार होकर जाना होता है जो कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम में मदद करेगी, या तो आप लोग का रिटर्न अगर सामने आ जाता है तो ठीक है भाई मैंने तो रिटर्न प्रैक्टिस करी रिटर्न कर लेता हूँ लेकिन मैंने प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस कर रखी तो अगर कंप्यूटर के सामने बैठा भी दिया जाए तो मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ कर लूँ,
ठीक है, ये डिफरेंस है जो कि कई बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं कि जब मैम मेरे दोस्त का तो ऐसे कंप्यूटर पे कराया, डेटा एंट्री का इसलिए मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेटा एंट्री में भी पूछते हैं ये चीज़, इसलिए मुझे अभी याद आया इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम मेरे दोस्त का तो प्रैक्टिकल इस तरीके से हुआ लेकिन मेरा तो लिखवा कर ले लिया थ्योरी की तरह, तो मैम वो सही था, मैम मार्क्स मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? मार्क्स आप लोग को मिल जाएंगे, डिपेंड टोटली ये जो जो तरीका होता है मैनेजमेंट होता है डिपेंड आप लोग का एग्जाम सेंटर पे करता है, ठीक है, कि आप लोग का रिटर्न तरीके से प्रैक्टिकल लेंगे वो लोग या फिर आप लोग का एक्चुअली में जो तरीका होता है कि प्रैक्टिकली करवा के लेंगे वो, आप आगे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने डेटा एंट्री का एग्जाम्पल दिया आप लोग को, होम साइंस का एग्जाम्पल एक दे दिया कि भाई आप लोग को कोई ऐसा डिश वगैरह बनाकर नहीं लेके जानी होती, वहाँ पे आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिसको आप लोग को सॉल्व करना होगा या फिर कोई और प्रैक्टिकली तरीका जो है अपनाया जा सकता है, तो आप लोग को दोनों तरीके से तैयार होके जाना होगा। सो स्टूडेंट्स, यही थी छोटी सी अपडेट जो कि बहुत सारे जो बच्चे प्रैक्टिकल को लेके कंफ्यूज रहते हैं, वो मुझे क्लियर करना था वो डाउट, तो मैंने कहा एक बार सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर कर दूं प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड ये वाला, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ऑल भी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।